दत्त जयंती निमित्त दत्तात्रय मंदिर संस्थान दत्तात्रय नगर लोहारा येथे विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. उत्सव समितीच्या वतीने श्रीमद भागवत सप्ताह 5 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर पर्यंत हा सप्ताह आयोजित करण्यात आलेला होता. या सप्ताहात भागवत महात्म्य, नारद कथा, परीक्षित जन्मकथा, कृष्ण जन्मकथा, पाळणा, गोवर्धन पूजा, रुक्मिणी विवाह, सुदाम चरित्र व परीक्षित उद्धार व काल्याचे कीर्तन असा कार्यक्रम झाला. दिंडी सोहळ्यामध्ये गुरुवार दिनांक 12 डिसेंबरला दिंडी सोहळा व दत्तात्रय पादुकांची मिरवणूक निघाली. यामध्ये किनीचे महिला भजनी मंडळ, दत्तात्रय महिला भजनी मंडळ, दुर्गा महिला भजनी मंडळ, वडगाव महिला भजनी मंडळ सहभागी होत्या. या उत्सवाच्या आयोजनासाठी नामदेवराव रोकडे, गोपालराव राऊत, रमेश धातोड, सुभाष ठावरी, श्रीकांत धात्रक, प्रवीण भोंगाडे आदींनी पुढाकार घेतला होता. यशस्वितेसाठी शंकरराव संगई, एकनाथ खवळे, डॉक्टर अरविंद मुंधडा, प्रमोद कटरे, सुधाकर फुके, सुरेश बोबडे, नारायण एलेकर, प्रभाकर शिरभाते, ललित शिरभाते, बालाजी ठाकरे, संदीप चोखानी, महेश खोपे, विशाल भुराणे, मनोज खांदवे, शरद गायधने, गणेश पेटकर आदींनी परिश्रम घेतले. जीवन जीते समय कभी भी आपको दुख नहीं होगा. हम दुखी क्यों है जीवन में? ये प्रत्येक मनुष्य दुखी क्यों है? हमारी जो अपेक्षा है, हमारी जो कामना है, इस कलियुग के लोगों को, लोगों की, कलियुग के लोगों की ये कामना बड़ी हुई है, याद रखना. हम समाधान नहीं है जीवन में. हमारे पास सब कुछ भी होने के बाद भी हम भगवान से कहते हैं, भगवान ऐसे कैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लीक करा दे, एक नहीं दो चार दिला दे, बंगला मोटर कार दिला दे. याद रखना, जीवन जीते समय कभी भी उस मकानों के तरफ मत देखना जिस मकान में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं. अरे सोचो, जीवन में भगवान ने हमें रहने के लिए एक छत दिया है, उसमें समाधान अपने रूप की कामना रखो. क्योंकि कभी भी जीवन में ये सोचो भगवान, अरे जीवन में जीते समय हमें तुमने एक इतना छत भी दिया है तो बहुत अच्छा है. उस